दोस्तों, ये है मेरा बोया M1 माइक जो कि ख़राब हो चुका है। और क्यों ख़राब हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, इसका 20 फीट वायर है, ठीक है, काफ़ी लंबा वायर है। और इसमें एक प्रॉब्लम रहती है कि ये जो है माइक, ये उलझ जाता है। जितनी बार भी आप इसको अपना वीडियो बना के छोड़ देते हैं, तब ये आपस में उलझ जाता है, जिससे कि रोज़ आपको ये ऐसा छुड़ाना पड़ता है। इसकी प्रॉब्लम यही है। और ये देखो, मैं अभी फंस गया, मैं इसको छुड़ा रहा हूँ, देख लो, ठीक है। अब ये इसको छुड़ाने में जो उलझ जाता है, इसको आपको 10-20 मिनट चला जाता है रोज़ का। और आप तो जानते हो, यूट्यूब का वीडियो बनाने के लिए कैसे थोड़ा थोड़ा समय निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये उलझ जाता है, ये देखो उलझा हुआ है हर बार। अगर आपके पास ऐसा होगा वायर वाला, तो आप खुद इस बात को समझते होंगे कि किस तरह ये फंसता है रोज़। तो शुरुआत में भाई देखो, ये सस्ता पड़ता है वायरलेस वाले से, इसलिए लोग यही लेते हैं। भले ही उलझ जाए, लेकिन लोग इसको छुड़ा छुड़ा के अपना यूज में ले लेते हैं। देखो, ये गट्ठी पड़ जाता है कई बार, तो ये देखो पड़ गया अपने आप। तो मैं इसको छुड़ा रहा हूँ दोस्तों, और मैं ये ख़रीदा था 2 साल पहले, ठीक है। काफ़ी बड़ा वायर है इसका, ये देख लो, बोया M1, ठीक है। और इसकी वॉइस भी बेहतरीन है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, 2 साल बाद ये देखो, देख रहे हो ना, ये यहाँ से मेरा टूट गया है। और बोया वालों ने यहाँ पे दिमाग लगाया है कि अगर इससे आप बना नहीं सकते हो, पूरा पैक कर दिया यहाँ पे, मैं खोलना चाह लें खुला नहीं। मैं एक मैकेनिक थे जो बनाते हैं टीवी वगैरह और बत्ती वगैरह, लाइट वगैरह बनाते हैं, तो उनके पास लेकर गया इसको। मैं बोला ये वायर टूटा है, थोड़ा इसको सेट कर दो। तो ये खोल रहे थे, खुला ही नहीं। फिर मैं घर पे आके खोल रहा था, घर पे खुला ही नहीं। मतलब इसके अंदर ही इन लोगों ने ऐसा पैकिंग किया है कि अगर एक बार ये वायर टूट गया, तो आप इसे बना नहीं सकते हो, आपको दूसरा ही लेना पड़ेगा। ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन लोगों का सिस्टम यही रहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बनती नहीं है, बिगड़ गया तो आप नया खरीदो। और उनका फ़ायदा भी है, अगर मान लो आप इससे बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी का होता है, जल्दी बिगड़ता नहीं। और बिगड़ता है तो आप बना लीजिए, फिर 3 साल यही चलेगा आपका। इसकी वजह से उन लोगों ने ऐसा सिस्टम किया है कि एक बार बिगड़ जाए, ताकि आप इसे फेंक दो और फिर नया लो, तभी तो आप नया लोगे। तो ये बना नहीं, जबकि मेरा सिर्फ वायर ही टूटा था, इसमें कोई दिक्कत थी नहीं, ठीक है। तो अभी ये बना नहीं दोस्तों, और ये यहाँ से वायर टूटा, खोल थक गया, लेकिन ये खुला ही नहीं। और ये उस समय था बोया M1, इसका नाम है, 1100 रुपये का। अभी ये 900 रुपये का हो गया है, 200 सस्ता हो गया 3 साल में, क्योंकि अभी तो वायरलेस माइक आ गया है। तो दोस्तों, ये मेरा ख़राब हो चुका है, तो मैंने अभी वायरलेस माइक मंगाया हूँ, जो कि मुझे पड़ा है 4500 रुपये का, बोया का ही। तो मैं दोनों में मैच किया, तो मुझे वॉइस इसकी अच्छी लगी, ये वायर वाले की, ठीक है। और बेहतरीन वॉइस इसकी है, हालाँ उसमें अच्छा ये है कि उसमें वायर का झंझट नहीं है, ठीक है, उसमें वायर का झंझट नहीं है, आप लगाओ और रिकॉर्ड करो। लेकिन रिकॉर्डिंग इससे अच्छी नहीं है उसकी, ये बेहतर है, ठीक है। उसको अभी 4500 लोग ले रहे हैं, सिर्फ इसके जो वायरलेस उसमें फंक्शन दिया है, वायरलेस कनेक्ट होता है, इसकी वजह से उन लोगों ने 2 पार्ट कर दिया उसको। एक आप अपने शर्ट पे लगाएंगे और एक मोबाइल में डालेंगे, और इसकी वजह से उन लोगों ने उसको रेट को बढ़ा दिया है। लेकिन मैं दोनों का टेस्ट किया, मुझे इसका अच्छा लगा। मैं एक वीडियो और बनाऊँगा, दोनों का मैच करके दिखाऊँगा किसकी आवाज़ अच्छी है। पहले का वीडियो जो मैं बना के रखा हूँ इस वायर से, उसका दिखाऊँगा, और अभी जो मैं नया मंगाया हूँ उसका भी दिखाऊंगा आपको। तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये अच्छा है कि वो। तो दोस्तों, अगर आप भी बोया का माइक मंगाना चाहते हैं ऐसा, तो ये समझ लेना कि अगर टूट जाएगा तो ये बनेगा नहीं, ठीक है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो सस्ते में आ जाएगा आपको, 800-900 रुपये में ये ले सकते हो। लेकिन अगर आप पैसे कमाते हो, तब वायरलेस वाला लेना, क्योंकि इसमें वायर का झंझट नहीं है। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि बोया का माइक वायर वाला टूटता है तो बनता नहीं है।